नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट गुरु सपोर्ट चैनल। मैं हूं आपका प्यारा भाई नरेंद्र गुरु वैष्णव। आज हमारे पास एक नई डिफरेंट प्रॉब्लम आई है। हमारे पास एक प्रिंटर आया है MF30 कैनन का, जिसमें प्रिंटर इंस्टॉल होने के बाद में भी उसमें डिटेक्ट का ऑप्शन नहीं आता है। काफी बार हमने ड्राइवर भी लोड कर लिया लेकिन फिर भी नहीं आता। स्कैनर चलता है लेकिन प्रिंटर कनेक्ट नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करके जो बताए कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये आप यूट्यूब से देख रहे हैं और फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप्स के वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूं। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास है कैनन का MF3010 प्रिंटर। देखिए यहाँ पे जो प्रिंटर हमने इंस्टॉल किया रखा है पहले, उसमें स्कैनर दिखा रहा है इंस्टॉल हुआ हुआ, लेकिन प्रिंटर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इसके ड्राइवर डाउनलोड कर देने हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएंगे। पर ड्राइवर को आपको राइट क्लिक करके अपने को एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि मैं डाउनलोड फोल्डर में ही कर देता हूँ। उसके बाद में इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ऐड ए प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऐड ए डिवाइस भी है, ऐड ए प्रिंटर करना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपका प्रिंटर यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है ऑल इन वन प्रिंटर, और प्रिंटर डिवाइस नहीं हो रहा है, वो आपको दिख रहा है तो ठीक है। नहीं तो आपको नीचे एक ऑप्शन आता है लिस्ट का, यहाँ पे एक देखो लिस्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लोकल नेटवर्क और ये, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको नीचे, ऐड ए लोकल प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर एंड मैनुअल सेटिंग्स का। ऐड ए लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर मैनुअल सेटिंग, नेक्स्ट कर देंगे इसको सेलेक्ट करके। यहाँ पे आपको यूज़ एग्जिस्टिंग पोर्ट का करना है, तो इसमें जाके आपको जो सेलेक्ट करेंगे सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा USB 001 का। आप देखिए यहाँ पे मैं 001 ले लेता हूँ। यहाँ पे कैल MF3010 दिखा रहा है। अगर आपको कोई दूसरा प्रिंटर हो तो अभी आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको देखो लेफ्ट साइड में एक लिस्ट मिलेगी। अगर लिस्ट में आपका प्रिंटर का ड्राइवर राइट साइड में नहीं दिखा रहा है यहाँ पे लाइट और लेफ्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हार्ड हैव ए डिस्क में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में ब्राउज करना है उसको। ब्राउज करने के बाद जो आपने जहाँ पे उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे मैंने डाउनलोड में किया है, आपने अगर कहीं और किया हो तो उस फाइल वहाँ पे खोल देना है फोल्डर को। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल को, फोल्डर दिखा रहा है MF30 का। इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर्स के अंदर और आगे जाएंगे तो आपको 3264 बिट का ऑप्शन आएगा। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो ये उसके अंदर ड्राइवर और इसके अंदर ये दो फाइलें मिलेगी। तो आपको जो ऊपर वाली फाइल है 64 बिट वाली, इसको आपको ओके कर देना है। और यहाँ देखिए आपका कैनन MF3010 प्रिंटर दिखाने लगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ड्राइवर इज ए करंटली इंस्टॉल्ड में रिकमेंडेड, नेक्स्ट कर देंगे और एक और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मॉडल नाम पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद देखिए आपको एक और यहाँ पे प्रिंटर शो करने लग जाएगा। इसके अंदर आपको प्रिंटर के सारे दिखा रहा है, तो ऐसे आपको सेट ए डिफॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो ने आपकी मदद की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। करते हैं वीडियो खत्म। जय हिंद।